भारत खड़ा है अपने गौरवशाली इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ पर। देश के अमृत काल की यात्रा हो गई है आरंभ। हमारे युवा अपने सपनों और आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने के लिए हैं आतुर। इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉन्च की गई थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है, उनके हौसलों के साथ है। युवा मन जिस दिशा में भी सोचना चाहे, खुले आकाश में जैसे उड़ना चाहे, देश की नई शिक्षा व्यवस्था उसे वैसे ही अवसर उपलब्ध कराए। इस नीति के क्रियान्वयन ने देश के युवाओं में एक नया जोश भर दिया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और मल्टीपल एंट्री एग्जिट की व्यवस्था से उन्हें पहली बार अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार पढ़ने का मौका मिला है। ऑनलाइन एवं ओपन डिस्टेंस लर्निंग का विस्तार हुआ है। 75,000 विद्यार्थियों को गति शक्ति के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनोवेशन एवं स्टार्टअप, शिक्षा में मल्टीलिंगुअलिटी के प्रचार प्रसार पर जोर दिया जा रहा है। 2 वर्षों में लाए गए इन सुधारों को कई राज्यों ने, कई संस्थानों ने लागू कर दिया है। अब देश भर के शिक्षाविद और नीति निर्माता इस बात पर विमर्श कर रहे हैं कि इन सुधारों को और गति कैसे दी जाए। पिछले महीने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्यों के मुख्य सचिवों ने इस विषय में चर्चा की। अब इसी चर्चा की अगली कड़ी के रूप में आज वाराणसी में 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी समागम में उपस्थित होने वाले वाइस चांसलर्स, IIT, IIM के निदेशक तथा देश भर के शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं को नीति के क्रियान्वयन के विषय में मार्गदर्शन करेंगे। प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री समागम में भाग लेंगे। इस चर्चा से नीति के क्रियान्वयन को नई दिशा, नई ऊर्जा मिलेगी और युवाओं के सपनों को मिलेगी ऊंची उड़ान।